हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल आज हम बात करेंगे महिंद्र एसी गाड़ी के बारे में स्कॉपियो क्लासिक फर्थ जनरेशन का थर्ड फेस्लिफ मॉडल आप ये देख रहे हैं जो मिलता है आपको सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको टोटल फोर वर्जन स्कॉपो टू मॉडल में शुरू हो होता है सिक्सटी लैक फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ से लेकर ट्वेंटी लाख एट्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ऑन रो प्राइस न्यू डेली और जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं क्लासिक एस एवन जो आता है सेवन सीटर एंड सेवन सीटर कैप्टन चेयर के साथ नाइन सीटर का भी ऑप्शन है वो आता है बेस मॉडल में ही रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से अंडर महिंद्रा रिव्यूज ऐसी मिलती है आपको बोल्ड फ्रंट ग्रिल क्रोम इंसर्ट के साथ बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा आपको इधर और यहाँ पे मिलते हैं आपको एल ई डी जो है एक्सक्लूसिव फीचर उसके नीचे मिलेगा आपको फॉकलम का फीचर जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल सिल्वर स्केट प्लेट का भी फीचर मिल जाता है यहाँ पे मिलता है आपको टो हुक फॉर द फ्रंट सेक्शन और इधर मिलते हैं आपको स्टैटिक बेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्टर हेडलिम्प्स लो बीम में हाई बीम में मिलेंगे आपको मल्टीप्रेक्टर हेडलिम्स और उसके ऊपर मिलता है आपको एलईडी ए का फीचर जो पहले भी मिलता था यहाँ पे आपको क्रोम का इंसर्ट का काम देखने को मिल जाता है सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको मिलेगा डबल विशपोन टाइप के साथ इंडिपेंडेंट फ्रंट कॉल स्प्रिंग का सस्पेंशन पीछे मिलेगा आपको मल्टीलिंग कॉय स्प्रिंग का सस्पेंशन एंटी रोल बार के साथ हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्विस का भी फीचर मिल जाता है यहाँ पर मिलता है आपको बोनेट स्कूप जो है डिज़ाइन सिंगल वॉशर दो सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं इतने साइज़ की मिलती है आपको फ्रंट विन शील्ड एपल मिलेगा आपको बॉडी कलर्ट बॉडी कलर्ट ओ आर वी एम जिसको आपको ऐसे मानवली खोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ पे एम ऑफ इंजन की बैजिंग सिल्वर बेजल मिलता है आपको इधर और साथ में है टन इंडिकेटर इधर मिलते हैं आपको डायमंड डायमंडलॉय व्हील्स जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते ये मिलते हैं आपको डोल टोन फिनिश में सिल्वर प्लस ब्लैक बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो टायर प्रोफाइल की बात करें तो मिलेगा आपको टू ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटी फाइव आर सेवनटीन आगे डेस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलेगा बॉडी कलर के साथ मिलती है आपको साइड क्लैडिंग एंड वीलास क्लैडिंग साइड स्टेप्स ब्लैक फिनिश में और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बाजिंग मिल जाती है सिल्वर प्लस ब्लैक फिनिश के साथ इसी वेरियंट के साथ मिलती है आपको पेंटेड साइड क्लैडिंग अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो मिलेगी आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको बॉडी कलर्ट बी पिलर की बात करें तो मिलेगा आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में सी पिलर भी आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में मिलेगा एंड डी पिलर पर मिलता है आपको बॉडी कलर्ट इसका स्काई रैक जो मिलता है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में काफ़ी बड़े साइज़ का रूफ मिलता है आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ और ऐसी मिलती है आपको इसकी कंप्लीट रेड प्रोफाइल लुक महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल की यहाँ पे आपको एल ई डी टेल लैंप्स का फीचर मिलता है जो मिलते हैं आपको डी शेप में काफ़ी शानदार रेड प्रोफाइल मिलती है आज भी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल नाइन सीटर का ऑप्शन मिलेगा आपको सिर्फ क्लासिक एस के साथ जो एस इलेवन में अवेलेबल नहीं है सिंगल टोन के साथ मिलता है आपको इसका रेयर बम्पर लुक और यहाँ पे मिलेगी आपको स्कापियो क्लासिक एसी इलेवन की बैजिंग राइट हैंड साइड पे महिंद्रा का लोगो टेल के डप्लिक मिलती है आपको ब्लैक फिनिश में और नीचे आप रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवा सकते हैं यहाँ मिल जाता है आपको प्रोविजन माइक्रोहैपेट टेक्नोलॉजी की बैजिंग नहीं मिलती आपको इधर इधर मिलते हैं आपको सिग्नेचर टावर के साथ एल टेल लैंप्स स्कॉपियो की एम्बॉजिंग मिलती है आपको इन टेल लैम्प यूनिट पर ये मिलते हैं आपको सिग्नेचर टावर स्टाइल में रेयर विंडशील्ड की बात करें तो वाइपर विद वॉशर का फीचर मिलेगा अलॉग विद रेयर डी माउंट स्टॉप टॉपलैम जो मिलेगा आपको एलोजन बल्ब के साथ और यहाँ पे प्लेस साइज का वॉशर रेयर में आपको स्पॉयलर भी मिल जाता है इतने साइज़ का मिलता है आपको स्पॉयलर एंड रेयर बम्पर की बात करें तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का फीचर मिलता है नीचे है टो हुक फॉर द रेयर सेक्शन दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रेयर बम्पर पे और ये राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर रेयर में फॉग फॉगलेम का फीचर अवेलेबल नहीं है ये फुट स्टेप रेयर सेक्शन के लिए और यहाँ पे मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर जो मिलेगा आपको ब्लैक स्टील व्हील के साथ इसका एग्जॉट पाइप और यहाँ मिलता है आपको फ्रंट इंजन या व्हील ड्राइव लेआउट बॉडी ऑन फ्रेम चेसी मिलती है आपको इस क्लासिक में पहले की तरह और यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है इस टेल गेट पर ऐसे दिखता है इसका टेल गेट यहाँ पर आपको बेच कलर की पैडिंग मिल जाएगी और इस टेल गेट पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है सेफ्टी फीचर और यहाँ पर मिलते हैं आपको दो स्पीकरस यहाँ पर मिलेगी आपको प्लेसमेंट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है आपको इनसाइड डोर हैंडल लॉक एंड लॉक बटन ये ग्रैब हैंडल और इधर मिलता है आपको फोर सिक्सटी लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे आपको जंप सीट्स का फीचर मिलेगा इस सेवन सीटर वेरिएंट में कैप्टन सीटर वेरियंट में आपको इस जंप सीट्स का फीचर नहीं मिलता उधर मिलती है आपको बेंच सीट इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं सीट को अगर आपको बैठना है तो फैब्रिक सीटर पोस्टरी मिलती है सेकेंड रो की सीट्स को भी आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं इधर मिलती है आपको इंस्ट्रक्शन उससे आपको अधिक बूट स्पेस मिल जाता है एंड थर्ड रो की विंडोज़ को आप स्लाइटली खोल पाएंगे इस तरीके से यहाँ पे मिलता है आपको नॉप इस तरीके से आप इजीली खोल पाएंगे इतना कुछ ही मैक्सिमम खुलता है इस तरीके से आप खोल सकते हैं एक आगे मिलता है आपका इमरजेंसी ओपनर एक आगे आपको फ्यूलडेड ओपनर भी मिलता है इधर मिलती है आपको सिक्स लीटर्स की फ्यूल टैंक कपासिटी ये है इसका डीजल टैंक एक बारी में आप साठ लीटर्स का डीज़ल भरवा सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पर मिलता है आपको इसका एड ब्लू टैंक इधर से आप खोल पाएंगे यहाँ पे आप दस लीटर्स का मैक्सिंग क्लीन एड ब्लू टैंक डलवा सकते हैं डीलर के थ्रू और यहाँ पे मिलता है आपको इसका स्पे टायर नट इसके नीचे तो इतना कुछ बूथ स्पेस मिल जाता है आपको स्कॉपियर क्लासिक में आइए इसको बंद कर देते हैं आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको बेच कलर की डोर पार्टिंग ब्लैक इंसर्ट के साथ बेग साइज़ की ग्लास विंडो मिलती है आपको ब्लैक एंड डोर हैंडल लॉक एंड लॉक बटन और यहाँ पर मिलता है आपको मोबाइल होल्डर नीचे है बॉटल होल्डर स्पीकर का प्रोविज़न नहीं मिलता आपको अभी भी रेयर डोज पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक टेल गेट की तरह और यहाँ पे ब्लैक अपलिक ऐसी कुछ फिनिशिंग मिलेगी बेस फिनिश में फैब्रिक इंसर्ट ये पावर विंडो का स्विच ब्लैक फिनिश में एंड ग्रैब हैंडल भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है डोर माउंटेड आम्रेस में मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक और ऐसा मिलता है आपको इसका सेकेंड रो का इंटीरियर रूफ लाइनिंग मिलती है आपको बेज फिनिश में दो एडजस्टबल हेड्रेस मिलते हैं आपको ये पहला और ये दूसरा मिडल में नहीं मिलता आई सोफेक्स साइड इन माउंड का फीचर नहीं मिलता आपको स्कॉपियो क्लासिक में और यहाँ पे मिलता है आपको में आम्ब्रेस विदाउट कप होल्डर और इधर से आप ऐसे फोल्ड डाउन कर सकते हैं इन सीट्स को दोनों तरफ आपको नॉप मिलता है सेकेंड रो की सीट्स को फोल्ड डाउन करने के लिए आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं दो पॉकेट्स मिलती है आपको इधर आपको एक ही पॉकेट मिलेगी मेन पॉकेट नहीं मिलती आपको ड्राइवर सीट के पीछे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट दोनों फ्रंट सीट्स के लिए दो रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं आपको ब्लैक फिनिश में नॉप मिलता है आपको क्रोम एक्सन के साथ और नीचे मिलते हैं आपको दो कप होल्डर पावर आउटलेट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर जो देना चाहिए था और यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट का फीचर मिल जाता है सेकंड एंड थर्ड रो के बीचों बीच जो मिलती है आपको इधर हेलोजन बल्ब मिलेगा आपको इधर और यहाँ मिलते हैं आपको फिक्स क्रैब हैंडल कोटुक के साथ ड्राइवर साइड अवेलेबल नहीं है एक मिलता है आपको आगे कोटुक के साथ इधर भी कोटुक का फीचर अवेलेबल है और एक मिलता है आपको पीछे इस जगह इसकी मदद से आप इजीली गाड़ी में चढ़ पाएंगे इस क्रैब हैंडल की मदद से और ऐसे दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से टू डोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको ब्लैक एंड बेज पियानो ब्लैक फिनिश का भी काम देखने को मिल जाता है स्टेरिंग व्हील पे एंड डैशबोर्ड पे काफी शानदार इंटीरियर मिलता है आपको उस क्लासिक में भी और यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी आई गाड़ी के बाहर चलते हैं ऐसी मिलेगी आपको इसकी साइड प्रोफाइल लेंथ मिलेगी आपको इधर डबल फोर फाइव सिक्स वेट है वन ऐट टू जीरो हाइट है वन डबल नाइन फाइव एंड व्हील बेस मिलता है आपको टू सिक्स एट जीरो एम एम का टॉन्ग क्लियरेंस मिलेगा आपको इधर टू जीरो नाइन एम एम टर्निंग रेडियस है फाइव पॉइंट फोर मीटर्स वेट है अठारह सौ पच्चीस किलो का एंड ग्रॉस वेट है पच्चीस सौ तीस किलो का एंड इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलेंगे आपको डूबल फ्रंट ए बैग्स ए बी एस रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एमरजेंसी कॉल एंटी एंटीसेप्ट वार्निंग हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प विद बजर स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक पैनिक ब्रेक इंडिकेशन कोलाप्सिबल स्टेयरिंग कॉलम साइड एंट्रेशन बीम्स मैनुअल ओवर हाइड सिस्टम इंजन मोबालाइजर सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम रेयर डोर एंड टेल गेट चायल सेफ्टी लॉक डोर हजार लो फीड लेवल लाइट रिमाइंडर एंड की लेफ्ट रिमाइंडर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको महिंद्रास्पियो के टॉप मॉडल में पहले से कंपेयर करें तो ये पचपन किलो आपको लाइटर मिलती है क्योंकि यहाँ पे लगा है ऑल एल्यूमिनियम लाइट वेट जनरेशन टू एमहॉक डीजल इंजन 2002 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी महेंद्रा स्पियो इंडिया में आस जनरेशन और ऐसे देखते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलेम्प एंड मल्टीप्रैक्टर हेडलैप्स हाई बीम के साथ ऑन होने के बाद विटान इंडिकेटर फॉकलेम्प भी मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब में ही ऐसे मिलेगी आपको प्रोफाइल स्टैटिक बेंडिंग टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है आपको इधर और ऐसे देखते हैं इसके टी का फीचर मिलता है आपको एक्सक्लूसिव टॉप मॉडल के साथ ही फॉलो मी होम एंड लीड मी टू वहीकल हेडलूम का भी फीचर अवेलेबल है इधर का एक पिकअप वर्जन भी आता है इसकापियो गेटवर के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है इंटरनेशनल मार्केट्स में तीन जगह इसकी असेंबली होती है महाराष्ट्र इंडिया इजिप्ट एंड यूरोपे में कई सारी कंट्रीज में इसको महिंद्रा गोवा के नाम से भी जाना जाता है ऐसे देखते हैं इसकी टेल लाइट्स और यहाँ पे मिलती है आपको एक रिमोट की तीन बटन के साथ दूसरी तो मिलेगी आपको स्टैंडर्ड की यहाँ पे आपको कोई भी बटन्स नहीं मिलते फ्लिप की काफ़ीचर मिलेगा इस तरीके से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं और ये फ्लिपकी का फीचर आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको बेच कलर की डोर पैडिंग ब्लैक इंसर्ट के साथ बैक साइज़ की ग्लास विंडो मिलती है आपको और बड़े साइज़ का मिलेगा आपको ओ आर वी एम यहाँ पे है ब्लैक अपलीक इन साइड डोर हैंडल के ऊपर ये मिलता है आपको ग्लासी इफेक्ट के साथ कार्बिक इंसर्ट डोर माउंटेड आम्ब्रेस पे है हार्ड प्लास्टिक स्टोरेज स्पेस पावर विंडो के स्विचेस ऑटो डाउन एंड ऑटो आपका फीचर मिलेगा आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे इधर से आप लॉक कर सकते हैं रे पावर विंडोज को फ्रंट में पॉकेट यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर का फीचर नहीं मिलता लाइक रेअोस पडल लैम्प का भी फीचर अवेलेबल नहीं है इधर जो पहले मिलता था और साथ में है स्पीकर ब्लैक एंड साइड डोर हैंडल लॉक एंड लॉक बटन और ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर ड्राइवर साइड से ड्यूल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज ये इसकी रूफ लाइनिंग ये है सेवन सीटर वेरिएंट नाइन सीटर भी ऑप्शन अवेलेबल है बेस मॉडल के साथ फैब्रिक सीट पोस्ट मिलती है आपको जो तो मिलती है आपको बेच फिनिश में ऐसी कुछ क्वालिटी मिलेगी आपको लेदर सीट का हुआ सा आप एसेसरी में लगवा सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे लीवर इस जगह इस पीछे रिक्लाइन के लिए इसका प्लेट्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं ये पहला व्हीकल था जो बना था ग्लोबल मार्केट के लिए महिंद्रा की तरफ से और यहाँ पे क्रोम एक्सेंडा काम है ए सी के सराउंडिंग में इधर भी और इधर भी इधर से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ओ को साथ में हैं हाई बीम एडजस्ट नॉब ये फ्यूलेट के लिए और ये रेडी फॉगर की होल मिलता है आपको एलिमिनेशन के साथ लाइक अदर महिंद्रा काश और ऐसी दिखती है इसकी पैडल पोजिशनिंग डेड पेडल का भी फीचर अवेलेबल है और इस लीवर से खोल सकते हैं आप इंजन पोनेट को ऐसा दिखता है इसका कैबन लुक ड्राइवर सीट से फोर स्पोक पावर स्टेरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलेगा आपको लेदर रैप्ड काफी शानदार इंटीरियर मिलता है आपको स्कॉप क्लासिक में भी लाइक एन यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेरिंग व्हील मिलेगा यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश थम कंटोर और बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो ट्विन पिक लोगो इसका हॉन सेटअप काफ़ी शानदार लग रहा है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इस जगह और इस जगह साथ में मिलते हैं आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल राइट एंड साइड पे यहाँ पे मिलेंगे आपको लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड फॉग्लम के कंट्रोल्स लेफ्ट एंड साइड पे मिलेंगे आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स और यहाँ पे है ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स लेफ्ट एंड साइड स्टेयरिंग माउंटेन पे टेल स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको इधर टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है किसी भी मॉडल के साथ और ऐसे दिखते हैं इसके सेंट्रल एसी इवेंट्स क्रोम एक्सेंट का काम मिलेगा आपको इधर ओवरऑल एंड बेज फिनिश के साथ मिलेगा आपको इसका डैशबोर्ड ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको कॉपियो की बैजिंग क्रोम फिनिश में ब्लैक अपलिक क्रॉसिक ब्लैक फिनिश के साथ इतने साइज का मिलता है आपको इसका क्लब बॉक्स जो कोल्ड नहीं है काफ़ी बढ़िया साइज मिल जाता है नाइन इंच का एंड्रॉयड प्लेयर ऑटोमेटिक ए और इधर मिलेगा आपको हज़ार लाइट का बटन इधर बीचो बीच डमी बटन और ये माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन और ठीक इसके नीचे मिलते हैं आपको यूएसबी पोर्ट एनास का पोर्ट इधर वुडन ट्रीटमेंट मिलता है आपको इधर शानदार लग रहा है ये गेयर बॉक्स कंसोल पे जो इधर देखने को भी मिल जाता है और इधर भी आप देख सकते हैं ट्वेल्व रोड का सॉकेट मिलेगा एलमिनेशन के साथ और साथ में स्पेस स्मार्टफोन को रखने के लिए डीप स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको इधर और ये है इसका सिक्स पीड मैनुअल गेयर बॉक्स ऑटोमेटिक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे लेदर इंसर्ट और इधर भी वुडन ट्रीटमेंट मिल जाता है यहाँ पे स्पेस एंटी स्लिप मैट के साथ हैंड ब्रेक सिल्र टि के साथ दो कप होल्डर मिलते हैं आपको इधर बड़ा और एक छोटा एंड सन वाइज़र की बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर का फीचर मिल जाता है पैसेंजर साइड इधर मिलता है आपको आर एडजस्टेबल और यहाँ पर मिलते हैं आपको डमी बटन्स बीच में ब्लूटूथ माइक सन होल्डर भी मिल जाता है आपको इधर एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर पर आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता रीडिंग लाइट मिलती है आपको इधर एलोजन बल्ब के साथ जैसे मैंने आपको पहले दिखाया आई गाड़ी कौन कर लेते हैं और ऐसा मिलता है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी कौन करने के बाद ब्लू कलर की लाइट मिलती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एंड बटनस पे यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिलता है यहाँ पे है इसका आरपी मीटर लेफ्ट एंड साइड पे या टाको मीटर राइट एंड साइड पे स्पीडो मीटर या इसका टेम्परेचर गॉज फ्यूल गॉज और यहाँ पे है ट्रिप मीटर्स और टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स की इनफॉमेसन दो नॉफ्स मिलते हैं आपको इधर से आप डोअल ट्रिप मीटर्स की इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं रीसेट कर पाएंगे और इधर से आप सेट कर पाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको नाइन इंच का एंड्रॉइड प्लेयर जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो को यू रेडियो एंड ब्लूटूथ को ऐसे कुछ साउंड सुनाई देती है रिवर्स के लगाने पे कैमरा आप, आप एसेसरी में लगवा सकते हैं अदरवाइज आपको नहीं मिलता इस फेरियन के साथ इधर आपको कई सारे फ़ीचर्स मिल जाते हैं फ़ोन की तरह आप सेटिंग कर पाएंगे यूट्यूब भी आप चला सकते हैं हॉटस्पॉट की मदद से आप इंटरनेट भी कनेक्ट कर पाएंगे इस सिस्टम पर जब आप सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो आप एंड्रॉयड फ़ोन की तरह सेटिंग्स कर पाएंगे फ़ोन की तरह आपको सेटिंग्स का कॉलम मिलता है इधर इन बिल्ड नाविगेशन का भी फीचर मिल जाएगा जो अभी नहीं चल रहा किसी कारण से और इधर मिलता है आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर ये इसकी ब्लोर स्पीड टोटल छः ए सी वेंच मिलते हैं आपको आगे मिलेंगे आपको चार पीछे मिलेंगे आपको दो ये ऑटो मोड ब्लू कलर की लाइट मिलती है आपको बटन्स पे मैक्स ए सी का बटन नहीं मिलता आपको अलग से आइए ए सी को ऑफ कर देते हैं इसके नीचे मिलता है आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन ऑन एंड ऑफ डाइवर साइड पावर विंडो मिलती है आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो ऑफ के साथ यहाँ पे आपको एंटी पेंच का भी फंक्शन मिल जाता है इस तरीके से आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली आप ओर रिम्स को एडजस्ट कर पाएंगे ट्रैक का फीचर नहीं मिलता वो करना पड़ेगा आपको मानवली ऐसे दिखता है इसका कैबल लुक गाड़ी कोन करने के बाद आइए इसको बंद कर देते हैं और ऐसे ही मिलेगी आपको इसकी डोर हजार वार्निंग और ऐसे दिखता है हैं ड्राइवर साइड से इंटीरियर इसकापियो क्लासिक के टॉप मॉडल का आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट का फीचर मिलता है आपको इधर जो है स्टैंडर्ड शानदार फीचर ये आपको उसकापियो एन में भी देखने को नहीं मिलता यहाँ पे आपको डांपनिंग का फीचर मिल जाता है बोनेट स्कूप का फीचर यहाँ पे फंक्शनल नहीं है जो पहले हुआ करता था अंडर इंजन कवर का भी फीचर अवेलेबल नहीं है और इधर मिलता है आपको 2.2 लीटर का एम हॉक जनरेशन टू बी एस एस ट्रेस ट्रो कम्प्लाइन डीजल इंजन जो है फोर सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस करेगा वन थर्टी बी एच पी की पावर थ्री हंड्रेड एन एम टॉक के साथ और आता है सिर्फ और सेफ सिक्स स्पीड मानवल गेर बॉक्स के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको तो कैसी लगी आपको महिंद्रास्पि और क्लासिक कमेंट्स में बताइए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग